हे गाइस, मैं हूं ईशान सिद्दीकी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वीजा क्या होता है और वीजा कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी दूसरे देश से आने वाले व्यक्ति के लिए वीजा एक तरह से परमिशन लेटर होता है, जो कि आपको ये परमिट करता है कि आप किसी दूसरे देश में रह सकते हैं। लेकिन वो आपके वीजे पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन दूसरे देश में रह सकते हैं या उस देश में आप क्या कर सकते हैं। वीजा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो ये बताते हैं कि कौन से काम के लिए कौन सा वीजा लगेगा। वीजा की फुल फॉर्म होती है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। अगर आप भी किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो आपको भी वीजे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां आप बिना वीजा के भी आ जा सकते हैं और कुछ वीजा ऐसे होते हैं जिनकी मदद से आप कई देशों में आ जा सकते हैं सिर्फ उस अकेले वीजे की मदद से। उसे कॉमन वीजा कहा जाता है। भारत भी भूटान और नेपाल के लोगों को बिना वीजा आने देता है, लेकिन अपने देश के बजाय किसी दूसरे देश से भारत में आने पर इन लोगों को पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि वीजा कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांजिट वीजा, जो किसी देश में घंटों के हिसाब से आना चाहते हैं उन्हें ये वीजा दिया जाता है। ये वीजा 72 आवर्स के लिए ही वैलिड माना जाता है। साथ ही आवेदन करते समय आपको कंफर्म रिटर्न टिकट भी दिखानी पड़ती है। एक होता है टूरिस्ट वीजा। ये वीजा दूसरे देश में घूमने जाने के लिए लिया जाता है। आप वहां घूमने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते हैं। सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीजा 2004 से देने शुरू किए हैं, हालांकि इससे पहले वो हज यात्रियों के लिए तीर्थ स्थल वीजा जारी करता था। एक होता है बिजनेस वीजा। ये वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरे देश में बिजनेस करना चाहते हैं। ये वीजा लेने के लिए उस पर्सन को बिजनेस करने का प्रपोजल लेटर दिखाना होता है। साथ ही ये भी बताना होता है कि वो अपना बिजनेस कहाँ करेंगे और वो अपना खर्चा कहाँ से लाएंगे। ये वीजा 6 महीने से लेकर 10 साल तक वैलिड होता है। इसमें किसी पक्की नौकरी को भी शामिल किया जा सकता है और उसके लिए वर्क वीजा लिया जा सकता है। एक होता है ऑन अराइवल वीजा। इसके लिए पहले से वीजा होना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी कंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही उसे चेक करता है। भारतीय गवर्नमेंट ने हाल ही में वीजा के बारे में बहुत सारे बदलाव किए हैं। वीजा ऑन अराइवल को ई टूरिस्ट वीजा का नाम दिया गया है। अब इंडिया आने वाले ई टूरिस्ट वीजा के लिए इंडिया आने के बजाय अपने देश से ही अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है स्टूडेंट वीजा। दूसरे देश में हायर स्टडी करने के लिए हमें वीजा की जरूरत पड़ती है और स्टूडेंट ही इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस वीजे की वैलिडेशन इंस्टीट्यूट के हिसाब से होती है। ऐसे ही दूसरे वीजा हैं जो किसी ना किसी एक काम के लिए लिए जाते हैं। एक होता है मैरिज वीजा। ये वीजा एक निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है। मान लीजिए कि कोई भारतीय किसी अमेरिकी लड़की से शादी करना चाहता है तो वो शादी करने के लिए उसे भारत में बुला सकता है और ऐसे में उस लड़की को अमेरिका में इंडियन एम्बेसी जाकर मैरिज वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक होता है इमिग्रेंट वीजा। ये वीजा उस कंडीशन में दिया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में बसना चाहता है। ये सिर्फ सिंगल जर्नी के लिए होता है, यानी आप इस बात के लिए पक्के हो कि दूसरा देश इमिग्रेशन देने के लिए तैयार है, तभी ये वीजा मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस है जब वीजा की अप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। अगर आपने वीजा के लिए अप्लीकेशन दी है तो कुछ कंडीशंस में आपका वीजा रिजेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि अप्लीकेशन में कोई गलत जानकारी दी गई हो, अप्लीकेंट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या उस पर फिर कोई मामला पेंडिंग हो, उससे सुरक्षा पर किसी तरह का खतरा हो, उसकी इमेज या रिश्ते खुद उसके देश में अच्छे ना हो, वीजा चाहने वाले व्यक्ति के पास यात्रा के लिए कोई वैध वजह ना हो, आमदनी का कोई वैध और कानूनी जरिया ना हो, जिस देश में वो जा रहा है वहां रहने का कोई खास इंतजाम ना हो, यात्रा और दूसरे देश में ठहरने के लिए हेल्थ या ट्रेवल इंश्योरेंस ना हो, बहुत शॉर्ट नोटिस पर वीजा के लिए अप्लाई किया हो, इसके पहले भी वीजा एप्लीकेंट रिजेक्ट हो चुकी हो और रिजेक्शन की वजह को दूर ना किया गया हो, आप जिस देश में जाना चाहते हो उसके और आपके देश के बीच संबंध अच्छे ना हो, टीबी जैसा कोई छूत का रोग हो, इसके पहले वीजा या इमिग्रेशन रूल तोड़े हो, पासपोर्ट बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला हो, बिना कोई वजह बताए पहले जारी किए वीजे का इस्तेमाल ना किया गया हो, तो इन सभी कंडीशंस में आपकी वीजा की एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वीजा के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। वीजा अप्लाई करने के लिए आपको स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना है तो आप किसी टूरिस्ट एजेंसी की सहायता ले सकते हैं या फिर आप वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि MakeMyTrip, Yatra.com, ये वेबसाइट्स वीजा प्रोवाइड कराती है, या फिर दिल्ली में जाकर एम्बेसी में वीजा अप्लाई करके इसको आप प्राप्त कर सकते हो। यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारत में वीजा एप्लीकेशन का काम VFS ग्लोबल सर्विसेज को सौंप रखा है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना कि वीजा क्या होता है और वीजा कितनी तरह का होता है और वीजा के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के नए नए वीडियोज आपको रोजाना सबसे पहले मिलते रहें।